आज हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण जीएस जीके के 30 प्रश्न पढ़ेंगे फटाफट, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, या ऐसे यूँ कह लें कि जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बार बार आते हैं। इस सीरीज के अंदर तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप ठहरे रेस के घोड़े। तो पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के वलित होने पर क्या बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सवाल है। और आपको पता है जैसे ये पहले पृथ्वी थी, तो ये एक इसमें एकल महाद्वीप था जिसे हम पैंजिया कहते, क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। और बचे हुए भाग को पैंथालासा कहते थे। पैंजिया क्या हुआ? दो भागों में टूट गया। पैंजिया दो भागों में टूट गया, कुछ इस तरह से टूटा, ठीक है। बीच में जो जल बना, ठीक है, जो बीच में जल बना उसी का नाम रखा गया टेथिस सागर। क्या रखा गया? टेथिस सागर रखा गया, ठीक। और यहाँ पे जो चौथ तरफ था इसे का नाम पैंथालासा रखा गया। तो इसके जो टेथिस महासागर में जब ये दोनों टकराए आपस में, वलित होने से क्या बना? हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्पस, यही पूछ रहा है। और इसी का आपको प्रश्न का जवाब देना। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया। तो 15 करोड़ वर्ष, लगभग 15 करोड़ साल पहले टेथिस महासागर में जो मलबा निक्षेपित हुआ था, उसके बाद उसमें गोंडवानालैंड की भूमि और अंगारारंग की भूमि के बीच टकराव उत्पन्न हुआ, और जिससे महान हिमालय का जन्म होता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए इसका सही और राइट आंसर है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उनका जवाब सही है। जल्दी से वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर कर दें आप भी। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिरसा, अनंतनाग, करीमगंज, पुरुलिया। तो बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा करीमगंज। सी इसका सही जवाब है। मतलब ये असम का एक जिला है। किसका? असम का जिला है। किससे स्पर्श करता है? बांग्लादेश से, ठीक है। मैंने बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है या बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है, यह बात आप लोग भरी भारी तरीके से जान लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट शेयर तो कर लें। अगला आपके सामने है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है सप्त ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्क सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। बताइए जल्दी से, सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो अर्थ है वो आप लोगों ने अभी तक बताया, कुछ नहीं भी बताया है। इस प्रश्न का जो सही और राइट आंसर है वो है आपका शुल्क सूत्र। इसमें बलि देवी, अग्निक देवी, यज्ञ वेदी के परिणाम और रचना की चर्चा की। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसके किसकी? बलि देवी और अग्निक देवी, इन दोनों की चर्चा की गई है शुल्क सूत्र में, ठीक है। यहाँ तक इसके मन में कोई सवाल हो, आसपास इन साहित्य कम से कम शब्दों से अधिक बातें कहने का प्रयास किया गया। द्वितीय गोल में सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोल में सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अरुण आसफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कल्पना जोशी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और दिए गए प्रश्न का जवाब, चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए सभी लोग। अरुण आसफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कल्पना जोशी, क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें द्वितीय गोल में सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बहुत ही आसान प्रश्न है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वे फटाक से कमेंट करके बताएंगे। सरोजनी नायडू इसका सही जवाब है, काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर दिया है। द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन।
ये आप लोगों को मैंने बताया है, पढ़ाया है। इसमें कांग्रेस के मात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। बाद में गांधी जी के अनुरोध पर पंडित मदन मोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आमंत्रित किया था। एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। रख लीजिएगा, एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। अम्बेडकर ने लंदन में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलित प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। अम्बेडकर जी थे, वे लंदन में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों की प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए थे। महात्मा गांधी के बारे में इसी सम्मेलन में कहा गया था, अर्धनग्न फकीर, इसी सम्मेलन में कहा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, अर्ध नग्न फकीर, इसी सम्मेलन में कहा गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वार्ता है तो सेंट पाल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा था और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। और उसी समय फ्रैंक मोरेन नामक अंग्रेज ने महात्मा गांधी के बारे में अर्धनग्न फकीर के बारे में संज्ञा दी थी। चलते अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। निम्नलिखित में से विज्ञान को दो विभिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, किसने? रूसेल हल्स, डेविड ली, मैडम क्यूरी और पाल बोयर, मान विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में किस व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? बताइए जल्दी से, जल्दी वीडियो को लाइक देखने जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में जाए बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, बताइए, उनका नाम था मैडम क्यूरी। 1903 में भौतिकी का और 1911 में रसायन का। रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं और प्रायः लोग गलती कर जाते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा आप लोग यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, टीएच महामाइन, बताइए। फटाफट कमेंट कर बताइए आप लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए। बताइए जल्दी से, सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, टीएच। देखिए यहां पे देखा जाए तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। कब किया था? 1952 में किया था। मतलब इस प्रश्न का उत्तर बी है, और जितने लोगों ने सवाल का जवाब बी दिया उनका जवाब सही, ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है। अगला है आपके सामने, आदिवादियों, अतिवादियों तथा उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख थे। एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम भीमबाई कामा, फिरोज शाह मेहता। बताइए जल्दी से। देखिए जो एनी बेसेंट, इसका उत्तर क्या होगा मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपको यहां पे किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। एनी बेसेंट इसका सही जवाब है। देखिए एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी, आयरिश महिला थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका भी थी, और आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड ने होम रूल लीग का स्थापना हुई थी। और आगे देखेंगे हम लोग एनी बेसेंट इसी आंदोलन से प्रेरित होकर कांग्रेस से साबित होती है। उदारवादियों जिसे अग्रवादी माने अतिवादियों का एकता बद्ध कर भारत में होम रूल आंदोलन चलाया,
होम रूल आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में किया। ठीक, श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कब? 1917 में भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। कहाँ बनती हैं? कलकत्ता के अधिवेशन में, ये पूछा जाता है। पहली महिला बनती हैं और विदेशी थी, और पहली भारतीय कौन बनती है? सॉरी, नेहरू चलती बनती हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? विधि के प्रश्न पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी लोग बताइए। मैंने, अगर आपने पढ़ा होगा संविधान की सीरीज, तो वहां पे मैंने पढ़ाया था। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए इस प्रश्न का अगर हम उत्तर की तरफ बढ़े या इसका उत्तर जानना चाहें आप लोग, तो यहां पर होगा राष्ट्रपति। कैसे? किसके तहत? अनुच्छेद 143। अब ये बताइए इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई परामर्श दिया जाए तो जरूरी नहीं है उस परामर्श को राष्ट्रपति माने या ना माने, यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता। किस पर? राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, जब राम मंदिर का मामला था 1993 में, तब पहली बार ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी परामर्श देने से इनकार कर दिया था। नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी लोग, फटाफट कमेंट करके बताइए नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना उपयुक्त सभी। देखिए नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा, ये भारत सरकार तथा विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करता है, और इसलिए ये राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करता, मतलब ये इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? डी। इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, यहां पे एक बात और आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, मैंने पढ़ाया है। इसका मुख्यालय कहां पर है? ये दो प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और हो सके तो नाबार्ड का फुल फॉर्म, क्योंकि ये चीजें मैंने पढ़ा दी, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में ऊपर मृदा का विस्तार कितने मिलियन हेक्टेयर में है? तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अगर हम लोग देखें तो 0.4%। ठीक है, 10 सितंबर 1932 को येरवडा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? ठीक है, तो अगर यहां पे हम बात करें कि 20 सितंबर 1932 को येरवडा जेल में महात्मा गांधी ने आमरा अनशन किसके विरुद्ध किया था, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। प्रश्न बार बार आता है। सत्याग्रहों के ब्रिटिश अत्याचार, गांधी रिविल समझौता उल्लंघन, रैमसे, मैकडोनाल्ड तथा सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय है, या कलकत्ता सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, आइए इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो रैमसे, मैकडोनाल्ड,
एवं सांप्रदायिक जो अधिनिर्णय था उसके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को और अच्छे से समझना है अगर, तो अगस्त 1932 के सांप्रदायिक पंचायत को लागू होने से रोकने के लिए महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 से यरवड़ा में जेल आमरण अनशन किया। किसके लिए? सांप्रदायिक पंचायत। 20 सितंबर 1932 से पूरे देश में उपवास प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया। मंदिर और कुएं दलितों के लिए खोल दिए गए। फिर आगे चलकर 26 सितंबर को 1932 महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, इसे पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता ये कब हुआ था? ये 26 सितंबर के दिन हुआ था 1932। इस समझौते के तहत प्रांतीय तथा विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या जो 71 थी उसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? केंद्रीय विधानमंडल दलित वर्गों की सुरक्षा की संख्या 18% की वृद्धि कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% की वृद्धि कर दी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, फरवरी 23 फरवरी 1946 को रायसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? बताइए जल्दी से। देखिए, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान प्रश्न है। 18 फरवरी राजसी शाही भारतीय नौसेना, जिसे हम रिन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी सिग्नल परीक्षण संस्थान MIF, तलवार और गैर कमीशन अधिकारियों एवं सिपाहियों जिन्हें हम रेटिंग्स कहा जाता है, विद्रोह कर दिया और उसको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एडमिरल गोल्डफ्रेड को पूरी शक्ति के साथ भेजा। सरकार दंडात्मक रवैये से चिंतित होकर कांग्रेस, वल्लभ भाई पटेल, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने RIN रॉयल इंडियन नेवी नाविकों को 25 फरवरी 1946 का आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहम्मद वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? जल्दी फटाफट कमेंट करें यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं लगता, लोगों तक पहुंचा दीजिए, अभी तक आप लोग लाइक भी नहीं किए हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। और इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार नमक के मुद्दे पर स्वराज आदर्श को ग्रामीण जो निर्धन को एक व्यापक शिकायत को उनके देखते हुए उनको जोड़ने के लिए ये शुरू की गई। यहाँ पर भारत के लिए पूर्ण स्वराज माने डी प्रश्न का सही जवाब है। एलिजिया परीक्षण किसका निदान किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा प्रश्न आता है। एलिजिया का फुल फॉर्म है क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। यह HIV की जांच, HIV वायरस की जांच करने के प्रभावी है, इससे पता चलता है व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही हैं। एलिजिया टेस्ट का संबंध HIV वायरस है, जिससे पता चलता है व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं। खाने को सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3। मतलब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो है सोडियम बाई कार्बोनेट है, रट लीजिए, माने खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट पूछ देता तब क्या होता किसके लिए? ये धामन सोडा था, ये धामन सोडा है। इसका सूत्र क्या है? Na2CO3। ठीक है, ये धामन सोडा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की?
लॉक, रूसो, हेगल, प्लेटो। फ्रांसीसी क्रांति की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जितने भी वीडियो लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। रूसो से, देखिए फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वो लुईस 16वें की वजह से हुई थी। लुईस 16वें की वजह से हुई थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रसिद्ध नारा था, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेंडिटी। और यहीं पर रूसो की शिक्षा का फ्रांसीसी क्रांति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है आपको पता है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी पुस्तक का नाम है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो की पुस्तक का नाम है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के प्रात्यय का प्रावधान किया गया? ये हमने पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद है कि कहां से कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक होते हैं या अलग होते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग चार में है, भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। इसे हम राज्य का नित्य निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। अगर ये बात करें किस अनुच्छेद में है, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो है सी, राइट आंसर है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को सभी लोगों तक पहुँचाने की। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ध्यान से देखने योग्य प्रश्न है कि उत्तर कथन है, उत्तर प्रदेश का मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। इसके कुल मुख्य कर्मियों की लगभग 59.3% कार्य कृषि कार्य में लगे हुए हैं। इसमें आपको ये कूट दिया गया और अब बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए भी सही है और उसका सही व्याख्या आर है, मतलब ये आर सही, ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ाया है। ये आपको भाग एक अनुच्छेद एक में इसका वर्णन मिलेगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा। भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर जो है बी वालों का सही और राइट आंसर है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, भारत एक राज्यों का संघ है, महासंघ नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला आपके सामने है, भारतीय संविधान की रचना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा? ये हमने पढ़ाते समय बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। माने भारतीय संविधान में ब्रिटिश, अमेरिका, आयरलैंड संविधान कहाँ से, बताइए जल्दी से। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया, भारतीय शासन अधिनियम 1935। सशब्द हिस्सा था या 75% से ज्यादा हिस्सा, यहीं से लिया गया है। अनेक उपबंध, भारतीय संविधान का आधार 1935 भारत शासन अधिनियम ही है। ठीक है, इसीलिए उत्तर डी है, रट लीजिए, प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अवमूल्यन का प्रमुख लक्षण क्या है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्षण क्या है बताइए। मतलब एक अगर मैं बताऊं, जिस देश समय हमारे यहाँ नोटबंदी थी तो चीन ने अवमूल्यन किया था, मतलब अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझ के मूल्य कम कर, मैंने अपनी मुद्रा का विदेशी मुद्रा की अपेक्षा जानबूझ कर मूल्य कम कर देना। और जब मूल्य कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, आपके यहाँ सामान ज़्यादा खरीदेंगे और निर्यात बढ़ जाएगा। इससे निर्यात बढ़ जाते हैं लेकिन आयात कम हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं और ये कम होते हैं। आयात कम होते हैं और निर्यात बढ़ जाते हैं, ये रट लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। और भारत में पहली बार अवमूल्यन अगर देखा जाए, कब किया था भारत पहली बार, किसी को पता है? 20 सितंबर 1949। दोबारा भारत ने अवमूल्यन कब किया था? 1966 में। और तीसरी बार
1991 भारत ने अभी तक 3 बार अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जो कोई एक व्यक्ति देता है और सारे लोग उसका वहन करते हैं। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो व्यक्ति देता है वही वहन भी करता है। तो बताइए यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 में क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। देखिए, बिक्री कर अप्रत्यक्ष है, उत्पादन और सीमा शुल्क, लेकिन जो व्यय कर है अप्रत्यक्ष कर वह जो लगाया किसी और पर जाता है, भुगतान कोई और करना पड़ता है। इसमें कोई एक व्यक्ति करता है लेकिन एक दूसरे हस्तांतरित कर देता है। सीमा शुल्क, उत्पादन, बिक्री, सेवा कर, विज्ञापन कर, शिक्षा कर, स्टाम्प, पंजीकरण, वाहन, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो यहाँ पे जो व्यय कर है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है, इसलिए जो गलत है वही सही है, अर्थात डी इसका राइट आंसर है। अगला, भारत में उगाई जाने वाली सर्वाधिक कॉफी किस हिस्से की है? ओल्डचिक, कुर्गस, ओरबिका, कैंस, क्या है? भारत में कॉफी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1798 में आई थी, 1798 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आई थी। भारत में इसको कहवा 2% ही पैदा होता है, लेकिन इसका स्वाद उत्तम होने के कारण बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा है। भारत में विश्व का 2% कहवा ही होता है, लेकिन उत्तम किस्म होने नाते बिकता है। और भारतीय कहवा को मधुर कहवा कहते हैं, भारतीय जो कहवा होता है उसे हम मधुर कहवा कहते हैं, ये याद रखिएगा, भारतीय कहवा को मधुर कहवा के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ दो प्रकार का होता है, अगर देखा जाए भारतीय कहवा दो प्रकार का होता है, एक रोबेस्टा को होता है, रोबेस्टा को हवा होता है, दूसरा जो है अरबिया, अरबिका होता है, अरबिका कहवा होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जितने वीडियो को देख रहे फटाफट कमेंट करिए, या डेली क्लास टाइम टाइम में चलती है, आप लोग लाइव आ जाए करिए, दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ई लर्निंग विद दुर्गेश। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो, पैसा नहीं कटेगा। देखिए, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर है, ऐसा है जो पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर, अगर पोलैंड की राजधानी पता किसी को, पोलैंड की राजधानी कोई पता है? वारसा है। ठीक है, अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा प्रयोग के जाने सख्त संवत किसने प्रारंभ किया था? 78 AD, 78 ईस्वी किसने शुरू किया था, बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। कनिष्क ने, किस वंश का था? कुषाण वंश। ए वालों का जवाब सही है, जितने लोगों ने ए बताया है उनका जवाब सही है। डी डे माने डी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, चाहे इस प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये 6 जून 1944 को, 6 जून 1944 मित्र सेना का नॉर्मंडी उत्तरी में आक्रमण हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी, फ्रांस जो है जर्मनी के चंगुल से मुक्त हुआ, फ्रांस जर्मनी के चंगुल से मुक्त हो जाता है। यहीं से फ्रांस क्या होता है, जर्मनी के चंगुल से मुक्त हो जाता है, इसलिए उस दिन डी दिवस के रूप में मनाया जाता। किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ? किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का सबसे कम विकास हुआ? -4.8%। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं, चाहे से फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देखें। जी हाँ, वो था 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का सबसे कम औद्योगिक विकास रहा, औद्योगिक विकास -4.8%।
दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। सभी लोग बताइए, देखिए यहां पर यही है, ये 0 डिग्री है, यहां 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 दक्षिणी ध्रुव है, एकदम उत्तरी ध्रुव है। 45 अंश कुछ यहाँ आएगा, 45 अंश कुछ यहाँ आएगा, यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर एक बिंदु के रूप में यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव अक्षांश और यहाँ पर है 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव अक्षांश। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी का राइट आंसर होगा। क्लियर। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक् संगीत में सुविख्यात नाम है, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी निःशुल्क लाइव देख रहे हैं ना, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। सभी था चलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है आपका MS सुब्बालक्ष्मी, इन्हें 1998 में भारत रत्न मिला। क्या मिला, भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, क्लियर। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई, आज का आखिरी प्रश्न है। आप लोग ऑनलाइन क्लास से नोट्स से अगर जुड़ से जानकारी संबंध इस नंबर पर व्हाट्सएप करें जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजहन से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चलती है, घर बैठे संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम के लिए आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए जल्दी से, आज का आखिरी प्रश्न है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, 1981 उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में की गई। इसमें लघु मध्यम बृहद औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना, संबंधित समस्याओं को निराकरण सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान की जा सके। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी राइट आंसर होगा। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे जहाँ भी देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुँचेगी, आपकी जिम्मेदारी है। बाय बाय, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।